हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वन प्लस सी, और आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स को आप कवर कर लीजिए। एक्स को आप कवर करेंगे तो जो आपके पास नंबर्स बचे उनकी बात करेंगे। इसको आप बस इस टाइम ऐसे मानिए कि एक्स आपको नजर नहीं आ रहा, और फिर वाई भी नजर नहीं आ रहा उसको भी ऐसे मान लीजिए। तो फिर जो आपके पास नंबर्स बचे सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो नंबर आपके पास क्या बचे, नंबर आपके पास बचे बी इंटू वन प्लस सी एंड ए इंटू सी, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस करेंगे, यहाँ मैंने प्लस। अब आप क्या करिए, y को कवर करिए। जब आप y को कवर करेंगे तो y से आगे, तो y से आगे कौन सा नंबर है, y से आगे नंबर है c, तो c को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो c इंटू बी और फिर नीचे से ऊपर, यानी कि 1 प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे a से, माइनस नीचे से ऊपर आएंगे तो हमेशा माइनस में, वन प्लस सी इंटू ए, और फिर मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट के लिए माइनस वन, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करिए और बी को बी से, बस इतना सा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। बताओ ये कुछ स्टेप आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो बस बेटे यही आंसर है, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आप इसे उठा के x वाले को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, y वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की आ जाएगी। इसको हम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। आप लिखना चाहो लिख लो, बस इससे ज्यादा b प्लस बी सी माइनस ए सी, ये हो जाएगा y, किससे मतलब ऐसे भी लिख सकते थे, b और a को कॉमन भी ले सकते थे, बी सी माइनस ए माइनस ए सी एंड माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी, आप कॉमन ले सकते हो या पहले ले लीजिए, ए सी प्लस का हो जाएगा, बी सी माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल बस यही एक्स है। वाई को लेंगे आप तो ए सी प्लस हो जाएगा, बी सी माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना है। पर बेटे से ज्यादा सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ज्यादा ज्यादा आप सी कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ आपके पास क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है सर जी कुछ। हाँ जी, और कौन है हमारे पास जिसे पूछना है? अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान, यस सर, कोई डाउट तो नहीं है सर? अभी तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग। और कोई बच्चा तो नहीं? 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछना था। आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी इसका मतलब। सर एग्जांपल्स की मदद से पढ़ा था बस।